अगर बच्चों के मन में भारतीय सैनिकों के प्रति प्यार पैदा हो जाए तो वे भविष्य में सेना में शामिल होना चाहेंगे। सैनिक और पूर्व सैनिकों के साथ दिवाली मनाना समाज में सराहनीय पहल है। सूबेदार तानाजी चौहान ने जोर देकर कहा कि यह एक अलग समाधान प्रदान करता है। सोलापुर स्थित श्रीमंत योगी यूथ फाउंडेशन की ओर से सात रास्ता महाड़ा कॉलोनी स्थित आदर्श बालक मंदिर प्रशाला स्कूल के छात्रों ने पूर्व सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। नौ महाराष्ट्रीय एनसीसी बटालियन सोलापुर के सूबेदार तानाजी चौहान, हवलदार नीलेश तांबे, मास्टर चिप पेटियोर नौसेना दल के सेवानिवृत्त अधिकारी सचिन देश पांडे, अशोक विद्युत प्रमुख संजीव मुंदड़ा, सोलापुर जिला माहेश्वरी युवा संघ के अध्यक्ष विठल कावरा, छत्रपति शिवाजी नाइट कॉलेज के शारीरिक शिक्षा निदेशक संतोष कवली प्रमुख थे। मंच पर अतिथिगण आदर्श बालक मंदिर संस्था के सचिव अरुण राव गायकवाड़, विद्यालय के प्राचार्य औदुम्बर धोत्रे, फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष महेश कासट एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दिवाली के अवसर पर फाउंडेशन की ओर से स्कूली छात्रों को शंकरपाली लड्डू, चिवड़ा और चकली नाश्ता वितरित किया गया। देश की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवानों से नाश्ता पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। संचालन ऐश्वर्या सांगते ने तथा धन्यवाद ज्ञापन मोहन साठे ने किया। अक्षिता कासट, मनुश्री कास्ट, संतोष अलकुंटे, शीला तापड़िया, निशांत बागमारे, गणेश माने, महेश ढेंगले, रंजना ढेंगले, राहुल बिराजदार, भारती नाबे, सुजाता सकरगी, तुप्ति पुजारी, स्वराज ढेंगले, प्रवीण टाले, सुरेश लकड़े आदि ने इस कार्यक्रम में कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र से योगेश कल्याणकार की रिपोर्ट।